भगवत भगवानी है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हे हो काली सेवा करते हुए वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। यद्विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ॐ यद्विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
शिवं तिकामकुलजं पटपाटलब्जे पुण्डे गजादिकरतीररसालपुष्पै बिभ्राप्रवालतुलसीदलमन्दरे तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणां परमेश्वर बृन्दावन बिहारी श्रीमद्भागवत महापुराण की जय महाराज की जय महाराज की जय महारानी की जय बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम कमले नमः गजाननम् सत्यं परं धीमहि
तमादिदेवं पुरुषावतारं तमालवर्णं सोहितावतारं अशेष संसार समुद्र से तुम नमामहे भागवतं पुराणं अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद तस्मै चोर प्रभु जय जय माखन चोर मैं आयो तुम्हारी शरण सर्वाधार मेरी नाव पड़ी मझधार में प्यारे की चिल गए देवपार बोलिए भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की सतगुरुदेव भगवान की श्री वेद व्यास जी भगवान की परमर्म परमेश्वर परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर तड़त बिंद पीताम्बरधारी मुरली मनोहर दुबिज श्री कृष्णचंद्र भगवान के श्री चरणों में कोट कोट वंदन करते हैं। उन्हीं का बांग में स्वरूप श्री मद भागवत महापुराण जिनकी छत्र छाया में विगत चार दिन से अखंड ज्ञान का अनुभव कर रहे थे, आज पांचवें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। मंच पर आसीन पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज कोटि कोटि नमन, जिन्होंने अपना सारा जीवन बाल ब्रह्मचर्य में व्यतीत किया। 16 वर्ष से अन्न विहीन फलोहार लेकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे छुपे हुए श्री संत के चरणों में वंदन करता हूं। मंच पर आसीन बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण संगीत के मर्मज्ञ एवं भागवत भूषण मेरा छोटा भाई विष्णुदास और उनके साथ में सभी संगीत के परीक्षक के रूप में विराजमान मेरे परम प्रिय श्री मंगत गर्ग जी, उनके बाम भाग में विराजमान
परम सौभाग्यशालिनी श्रीमती सीता रानी एवं परीक्षित परिवार, गर्भ परिवार के सभी परिवार के मेंबर, उपस्थित समस्त सज्जन श्रोतागण, सभी के हृदय में बैठे हुए परमेश्वर को बार बार नमन करता हूं। कल प्रभु की जन्म की झलक आपने थोड़ी सी देखी, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं, उसके साथ ही अपने हृदय रूपी आंगन को पावन करने के लिए वही नृत्य का भजन गुनगुनाते हैं। बड़ा प्यारा अजामिल चरित्र जब मैं सुना रहा था तो मैंने एक श्लोक बोला था और बताया था कि उस श्लोक में से एक भी अक्षर अगर कोई जपता हुआ मिल जाता है, यमदूत उसके घर में नहीं जाते, और वही अक्षर है इसमें जो नित्य गुनगुनाते हैं। आइए प्यार से गाते हैं, एक बार बोलो, भागे बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, हर हर महादेव। मेरे से पहले मंच पर बड़ी सुंदर आवाज में हमारे पूज्य पंडित श्री के शास्त्री जी, उनकी सुपुत्री ने दो भजन सुनाए, मैं उसकी वाणी को प्रणाम करता हूं। परमात्मा से यही आशीर्वाद लेकर के देता हूं कि बच्ची अच्छी गायिका बने, इसका मन खुले और बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए, यही कामना करता हूं। आइए, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हर रसना गाए प्यार से, गाए अंतर मन होकर के गाए, काली सेवा
पाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी वरदम। सागर से पार पाना चाहते हो तो हरि की लीला श्रवण करो। भगवान से भवसागर से पार जाना चाहते हो तो प्रभु के गुणगान करो। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा गिरा नयन भय नीरा।
भगवान कहते हैं मेरे भक्त के परम पवित्र लक्षण है जो मेरे को प्राप्त करना चाहता है, सबसे उत्तम लक्षण है कि मम गुण गावत पुलक शरीर। जब मेरा गुण गाए शरीर पुलकित हो जाए, रोमांच हो जाए शरीर में। रोमांच कब होगा? जब तन से और मन से सत्संग में बैठे होंगे। अगर तन से ही सत्संग में बैठे हैं, मन कहीं और है, तो रोमांच नहीं होगा। रामायण में एक श्लोक आता है, एक दोहा आता है कि फूले फल ही न बेत यद्यपि सुधा बरसई जलद मूरख हृदय न चेत जाओ गुरु मिलहि बिरंचि सम। बांस के पेड़ में कभी न फूल लगता है न फल लगता है, चाहे रोजाना अमृत डालिए, चाहे रोजाना अमृत डालिए, बांस के पेड़ में न फूल आएगा और ना ही फल आएगा। ऐसे ही मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहिं बिरंचि सम। मूर्ख इंसान के हृदय में ज्ञान नहीं बैठता, चाहे ब्रह्मा जी ही गुरु क्यों न बन के आ जाएं। पहले दिन मैंने बताया था, आज फिर दोहरा रहा हूं उस बात को कि सिंगनी का दूध दुहना है तो स्वर्ण पात्र चाहिए, भगवत कथा श्रवण करनी है तो हृदय पवित्र चाहिए, पावन चाहिए। और पहले दिन की कथा में यह भी बताया कि देवताओं को कथा नहीं सुनाई, परीक्षित को कथा सुनाई। सावधान, एक ही बात नहीं है कि तुम ही सुपात्र हो, सुनाने वाला को पात्र हो, सुनाने वाला भी निष्प्रय होना चाहिए, सुखदेव जैसा सुना होना चाहिए, जिसको कोई लालच नहीं हो, कोई अभिलाषा नहीं हो। आनंद की बात तो यह है कि ज्ञान होते हुए भी अगर हम उस ईश्वर पर भरोसा नहीं करें जिसने यहां तक पहुंचाया और उसके बाद भी हम लालच करें तो फिर क्या है? कोई हम ज्ञानी है? बिल्कुल नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, ज्ञानी नहीं, निराज्ञान भरा हुआ है। परमात्मा के गुण गाओ, परमात्मा की कीर्ति गाओ, परमात्मा का यश गान करो, फिर आपको किस बात की कमी रह जाए? वो किसी चीज की कमी छोड़ता नहीं। गीता में वायदा किया है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक बार उसके बन जाओ फिर तुम्हारी लगाम पकड़ करके तुम्हारा सारथी बनने के लिए भी वो तैयार है। और क्या क्या करने के लिए तैयार नहीं है? पर एक बार उसके बन जाओ। लेकिन आजकल के ज्ञानी भी कैसे होते हैं कि हर ही शीश धन सो कन Thank you.
सदगुरु भी मिलना चाहिए। निष्प्रय हो, लालची नहीं हो, शिष्य का धन ऐंठने की ही लालच नहीं रखता हो कि किसी तरह शिष्य का धन ऐंठ लिया जाए। क्या क्या दूर करना है? शिष्य का शोक दूर करना है, शिष्य का दुख दूर करना है, शिष्य की चिंता दूर करनी है, शिष्य के मन को परमात्मा से जोड़ना है, ईश्वर से जोड़ना है। पर जोड़ेगा वही जिसका खुद का जुड़ा होगा। अरे जिसकी दुकान में जो वस्तु होगी वह वही तो बेचेगा। आप मनियारी से जा, मनियारी से वाले से जाकर के कहो आधा किलो सोना लेना है तो क्या वो दे देगा? वो तो कहेगा मनियारी की दुकान के सामान है वो ले जाओ। किराने वाले से कहो मुझे हीरा चाहिए तो क्या वो दे देगा? वो तो कहेगा भाई नमक मिर्च दाल चीनी लेनी है तो ले जाओ। अब जिस दुकान में जो वस्तु भरी है वही बेचेगा। इसलिए पहले दुकान का भी चयन करिए कि हमने क्या वस्तु खरीदनी है और किस दुकान पर जाना है। प्रभु का कल अवतरण हुआ, भगवान ने जैसे ही प्रकट हुए चतुर्भुज में प्रकट हुए। चतुर्भुज में प्रकट हुए तो मैया देवकी कहती है प्रभु बालक बन के आए हो या बाप बन के आए हो? भगवान कहते हैं कैसे कि आप चतुर्भुज में इतने बड़े प्रकट हुए हैं मेरी हंसी नहीं होगी तो क्या करोगे? बच्चा बन जाओ। प्रभु बच्चा बन गए। मैया ने कहा रो, रोने भी लगे। लेकिन भगवान ने सोचा कि कहीं ये भूल न जाए कि ये भगवान है, इसलिए कि परमात्मा ने याद दिलाया मैया देवकी को वसुदेव जी महाराज और कहा सुनो त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्ने त्वायम्बुवे सती तदाहं सुतपानाम प्रजापतिर कल्मषः। मेरा तुम्हारा इस जन्म का ही कोई नाता नहीं है, मेरा तुम्हारा जन्म जन्मांतर का नाता है। जब तुम्हारा नाम प्रश्ने था, मेरे ये पिताजी वसुदेव हैं, इनका नाम सुतपा था और ये स्वयंभू मन्वंतर में पैदा हुए थे, तब इन्होंने घोर तप किया था। जब घोर तप किया तो मैं वरदान देने के लिए आया, तब इन्होंने कहा प्रभु आप जैसा पुत्र चाहिए। मैंने कहा क्यों, मेरे जैसा क्यों, मैं खुद ही आके बन जाऊंगा। दौवी में तुम्हारा पुत्र बना और मेरा नाम था उपेंद्र। उस समय पुनः तुम्हारी तपस्या से मैं आज फिर अवतरित हुआ हूं। एक बात मैं आपको बताई देता हूं और शायद और भी बताना पड़े एक दो बार मुझे। भगवान जितने भी अवतार हुए किसी अवतार ने ये ठोक के नहीं किया, कहा कि तुम मेरा ही भजन करो और मैं ही भगवान हूं। लेकिन श्री कृष्ण अवतार 16 कला संपन्न होने के बाद इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं ही भगवान हूं, मेरा ही पूजन करो। मध्यान्ही माम नमस्कुरु, मेरे हो जाओ, मेरे को नमस्कार करो और जब मेरे हो जाओगे तो तुम्हारी चिंता मेरी चिंता, तुम्हारा दुख मेरा दुख, तुम्हारा सुख मेरा सुख। तो यहां भी कहते हैं मैया देवकी को अपने पिता को एतत्वां दर्शितं रूपं प्राजन्म स्मरणं च मे नान्यता मदभवं ज्ञान मतलिंगे न जायते। मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम भूल न जाओ, परमात्मा समीप है,
परमात्मा का लाभ ना ले पाओ तो फिर फायदा क्या है। इसलिए भगवान की सानिधि की अनुभूति आप करो। मैं तुम्हारे निमित्त धरती पे आया हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चाश्रुता चिंतयत्नो कृतस्नेहो याशते मदधत्ति परा। मेरे में दोनों भाव रखो, आप पुत्र भाव भी रखो और भगवत भाव भी रखो। देखो क्या विलक्षण लीला भगवान कह रहे हैं, पुत्र भाव भी रखो तो मुझे स्नेह मिलेगा आपका, और भगवत भाव भी मिल रखो तो तुमको मेरा लाभ मिलेगा। अगर आप पुत्र भाव भी रखोगे तो मुझे तो मेरे पुत्र स्नेह का फल मिल जाएगा, लेकिन तुम भगवत भाव नहीं रखोगे तो तुमको भगवत प्राप्ति का, भगवत सानिध्य का, भगवत के पास मेरे भगवान के पास में रहने का फल तुमको नहीं मिलेगा, वंचित रह जाओगे। इसलिए दोनों स्नेह मेरे में रखो, पुत्र भाव भी और भगवत भाव भी। वसुदेव जी कह रहे हैं वो तो ठीक है महाराज, तुम छोटे से हैं और बाहर बड़ी बड़ी तलवार लेकर के शेल बंदूक लेकर के खड़े हैं, कंस का भय है उसके लिए क्या करें, तो कि जल्दी करो मेरे को वसुदेव जी जो है नंदराय जी के घर पहुंचाओ। और नंदराय जी के घर में अभी अभी कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को आप ले आए। वसुदेव जी कहने लगे हथकड़ी और ये बेड़ी इनका क्या होगा, अरे कि जब ये मैं तो आ गया तो ये हथकड़ी बेड़ी तो अपने आप ही खुल जाएंगे। अब भगवान ने पता नहीं क्या लीला रची, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, अपने आप दरवाजे खुल गए, पहरेदार जहां की तहां सो गए। सूप में रख करके भगवान को लेकर के वसुदेव चल दिए। रास्ते में आ गई मैया जमुना जी, एक बात जोर से बोलो, बोलो जमुना मैया की जय। श्री वृंदावन धाम को बास भलो, ये बार बार लोग वृंदावन क्यों जाते हैं, हमारे घर में साहब को बड़ी आदत लगी है, ये भी चल देते हैं तीसरे चौथे, कईयों को रोग लग गया वृंदावन, जिसको एक बार वहां के बिहारी के जिसने दर्शन कर लिए उसको पक्का रोग लग जाता है, फिर मन नहीं टिकता, तीन दिन बाद चार दिन बाद जब भी मौका लगे चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। क्यों कि श्री वृंदावन धाम को पास भलो, जहां पास भये जमुना पटलानी, जहां पास बहे जमुना पटरानी, रे बैकुंठ मिले तीन कोर धरानी, वेद पुकार वेद पुराण बखान कहे, और संत मुनि सन के मन मानी, वेद पुराण बखान कहे और संत मुनि सन के मन मानी, क्या मानी कि जमुना जमदूतन कारत है, तो भवतारत है श्री राधे करण, हो भवतारत है श्री राधे करण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मुझे ये पता है कि कल आपने शायद व्रत रखा था, पर आज तो आपका व्रत नहीं है, पर मेरी यही प्रार्थना है आपसे, नित्य करता हूं और करता रहूंगा 27 तारीख तक आपसे, कि जब जय की बात आए तो जोर सारा लगा दिया करो, बढ़िया रहता है। क्योंकि एक संत कहते हैं कि जब हम जयकारा लगाते हैं तो हमारे शरीर से पाप कांपते हैं, वो कहां जाएं, ये तो भगवान का नाम लेने लग गया, जोर से नाम लेंगे तो। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम को वास बलो, जहां पास बहे जमुना पट रानी, इतना सुंदर वास है जहां चारों तरफ जमुना बहती है श्री वृंदावन धाम।
और जो जन नहाए के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजना। जमुना जी में स्नान करके जो ध्यान धरता है बैकुंठ में उनको राजपद मिलता है, यानी इंद्र का सुख मिलता है। वेद पुराण बखान कहे और संत मुनि सन के मन मानी, वेद पुराण भी ये बात कहते हैं, संत भी मानते हैं, ऋषि भी मानते हैं, मुनि भी मानते हैं। क्या मानते हैं कि जमुना जम तूत निर्धारित है। जमुना जी कौन है आप जानते हैं, धर्मराज की बहन है, सूर्य की पुत्री है, धर्मराज की बहन है। इसलिए अब बहन की आराधना करोगे तो भाई तो कृपालु बनेगा ही बनेगा। इसलिए जमुना जमदूत तारत है तो भव तारत है श्री राधिका रानी। राधा जी का नाम भव सागर से पार करता है क्योंकि कानों में पल पल क्षण क्षण यही पलता है, राधे 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 राधे। एक संत निवास करते थे वृंदावन में। संत एक दिन मिट्टी बालू उठाई और उठा करके कहने लगे, देखो इस रज को देखो, ध्यान से देखो, गौर से देखो, इसमें रज में एक श्याम कण है तो एक सफेद कण है, एक श्याम कण है तो एक सफेद कण है। कहने का भावार्थ यह है कि वृंदावन की रज रज में राधा कृष्ण बसे हुए हैं। ऐसी ब्रज की रज है, साक्षात जमुना जी जो जब थी वही आज भी पवित्र निशानी यही है ब्रज में कि जमुना जी आज भी मौजूद हैं। तो जमुना जी में जैसे ही प्रवेश किया, जमुना जी भगवान की पटरानी भी हैं। अब पटरानी ने सोचा कि भगवान निकल के जा रहे हैं, चरण छुए बिना कैसे रह जाऊं, चरण स्पर्श करूंगी ही करूंगी। जमुना जी बढ़ने लगी और वसुदेव जी घबराए, अब क्या करूं भैया, यहां तक पानी आया, यहां तक आ गया, नाक तक आ गया। तो वसुदेव जी ने हाथ ऊपर को कर दिए और कहा, भैया अरे कोई लो, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, कोई लो, कोई लो, कोई लो। उस घाट पर आज भी कोयला गांव बसा हुआ है, कभी आपने देखा, इधर रमरण रहती है, उधर वाले पास है कोयला गांव है, कोयला आज भी है, कोई लो ऐसे कह करके पुकारा। उस जगह पर कोयला गांव है आज भी। भगवान ने देखा पिताजी डूब जाएंगे, इसलिए चरण को छाज से उस सूप से नीचे को लटकाया और जमुना जी ने स्पर्श किया, रास्ता दे दिया भगवान। वसुदेव जी को लेकर के नंदराज जी के भवन में पहुंचे, वहां भी ताले वाले खुले हुए थे, यशोदा मैया सोई हुई थी। क्या विलक्षण क्षण, जिसके सात पुत्र चले गए हों, आठवां पुत्र इतना सुंदर हो, जो कि भगवान इनका नाम कृष्ण पड़ेगा ना, कृष्ण 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 धातु से बनता है, कृष्ण धातु का मतलब होता है खींचना। ये जबरदस्ती खींच लेते हैं इंसान को, कोई चला जाए, बैरागी चला जाए, योगी चला जाए, तपस्वी चला जाए, इनके चरणों में खींच लेते हैं। इस कृष्ण धातु से कृष्ण बना। अब जिसका आकर्षण इतना सुंदर हो और वो पिता छोड़ करके किसी और के घर में आ रहा है, क्या विलक्षण लीला, क्या अद्भुत लीला। पर प्रभु की खेल, वसुदेव जी ने वहां छोड़ दिया और कन्या को ले लिया, भगवान को छोड़ाए, माया को ले आए। जीव का यही तो है, जीव यही तो फंसा है, जीव यही तो मार खा रहा है कि भगवान को छोड़ देता है और माया को छाती से लगा देता है। काश की रीचि बदले दे, काश की रीचि बदले दे।
आज भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कांच का एक टुकड़ा बाहर ले लेते हैं और पारस मणि घुमा देते हैं। परमात्मा के नाम रूपी पारस मणि, पुण्य रूपी पारस मणि, धर्म रूपी पारस मणि छोड़ रहे हैं और उसके बदले में विषय रूपी कांच का टुकड़ा एकत्रित कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। बताओ क्या काम आएगी हमारे? प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, माया को लेकर के घर आ गए। देवकी ने सोचा चलो इसी को पाल लेती हूं, शायद कंस कन्या को तो नहीं मारेगा। ऐसी कन्या रोने लगी, माया जैसे ही आई हथकड़ियां फिर से लग गई, ब्रह्माया हथकड़ियां खुल गई और माया आई हथकड़ियां लग गई। यही तो बात है। भागवत में कदम कदम पर शिक्षा है, कदम कदम पर। और डोंगरे जी भगवान इसको ले जाते हैं अध्यात्म की तरफ, और विद्वान हर विद्वान को इसमें से मथकड़ के मथन मक्खन निकालना चाहिए। कथा सुधा मथि काढ़ ही भगत विमलता जाए, भक्ति रूपी निर्मल मक्खन इसमें से संतों को निकाल निकाल करके बांटना चाहिए। वही सच्चा वक्ता है, वही सच्चा जो है कथा का प्रवक्ता है, जो निर्मल इसमें से मक्खन निकाल निकाल के बांटे। तो माया से बचे, भगवान की शरण लें। प्रत्यक्ष है माया आई हथकड़ी लग गई, भगवान आए थे तो हथकड़ी स्वयं ही खुल गई। रोने लगी कन्या, पहरेदार जाग पड़े, पहरेदारों ने सशक्ति कर दी, जाकर के कंस को बताया। कंस ने जैसे ही सुना कि आठवां बच्चा पैदा हो गया है, दौड़ पड़ा, कहीं मुकुट गिरा, कहीं आप पछाड़ खाई, गिरता पड़ता जेलों में आया। जेलों में आकर के देखा, देवकी रो रही है, शिशक शिशक के कह रही है भैया ये तो कन्या है। सोचा ये देवता झूठ भी बोलते हैं, कन्या, अरे कन्या मेरे को कैसे मार सकती है? पर मन में विचार आया, कन्या नहीं मारेगी, कन्या का किसी राजकुमार के साथ विवाह होगा, वो ताकतवर होगा, ये कन्या ही उसका कारण बनेगी, इसलिए इसी को भी मार देता हूं। छीन लिया, रोती रह गई देवकी, हे भैया तूने मेरे सात पुत्रों को मार दिया, छह को मार दिया, सातवां गर्भस्राव हो गया, आठवीं कन्या हुई, इस कन्या को तो वक्ष दे, ये तेरे से क्या बैर करेगी। रोती रह गई, पर उसने छीन लिया, एक पैर से पकड़ा और जैसे ही पत्थर पर मारना चाहा, वैसे ही कन्या हाथ से छूट करके और आकाश मंडल में बिजली की तरह चमकते हुए दुष्ट को कहने लगी, अरे पापी तूने मेरे को मारने का व्यथा ही प्रयास किया, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। अब सोचने लगा, मैंने पाप भी इतने किए फिर भी ब्रज में पैदा हो गया, ये देवताओं की वाणी का कैसे भरोसा कर लूं, ये आकाश वाणियों का कैसे भरोसा कर लूं। बड़ा दुखी हुआ, उनके बंधन खोल दिए, भैया मेरी किस्मत में जो है बहन, बहन तेरी किस्मत में भी ऐसा ही लिखा था, मेरे हाथों तेरे पुत्रों का वध हुआ, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, तुम तो देव स्वरूप हैं और तुम तो क्षमावान भी बहुत हैं, मेरे अपराधों को क्षमा कर देना। पर चिंता में कान में वही शब्द गूंज रहे हैं, तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। एक अपनी सभा बुलाई, सगाव में मीटिंग की गई, मीटिंग में जो है मंत्रियों से कहा, मंत्रियों क्या करना चाहिए, आकाशवाणी ऐसे ऐसे हुई है। तो मंत्री लोग कहते हैं, महाराज सुनो हम बताएं आपको कि ये जो भगवान है इनके अंगों को काट दीजिए। इनके अंग क्या हैं?
कि विप्राग अवश्य वेदाश तपः सत्यं दमसमः श्रद्धालया प्रतीक्षात कर्तव्यश हरिस्तनु। समझ लीजिए, बड़े मौके की बात है, बड़े समझदारी की बात है, बड़े मतलब की बात है। भगवान का शरीर क्या है संसार में, दुनिया में भगवान का शरीर क्या है समझ लीजिए। क्या है शरीर? विप्रा ब्राह्मण भगवान का शरीर है, गावाश गौ ब्राह्मण का शरीर है, वेदाश ये वेद जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है, तपह जो हम तप करते हैं वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, सत्य भगवान का स्वरूप है, दम इंद्रियों को दमन करना भगवान का स्वरूप है, समह इंद्रियों का समन करना भगवान का स्वरूप है, श्रद्धा जो है हमारे हृदय में भगवान का स्वरूप है, दया भाव है जो वो भगवान का स्वरूप है, तितीक्षा, तितीक्षा कहते हैं किसी वास्तु की इच्छा न रखना, जो मिल जाए उसी से संतुष्ट हो जाना तितीक्षा कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं जो हम यज्ञ करते हैं ये भगवान का स्वरूप है, ये सभी भगवान के अंग हैं। इन अंगों को काट दीजिए, ब्राह्मणों को मारिए, गायों को काटिए, वेदों को तहस नहस कर दीजिए, तब किसी को करने मत दो, सत्य किसी को बोलने न दो, इंद्रियों का दमन किसी को करने मत दो, श्रद्धा किसी के हृदय में रहने मत दो, दया किसी के भाव में नहीं हो, कोई प्रतीक्षा कोई यज्ञ ना करे, ये सबों को मिटा दो, भगवान अपने आप ही मिट जाएंगे। जैसे कि रावण ने कहा था कि तुझे भोजन मख होम सरा ब्राह्मणों का भोजन यज्ञ श्राद्ध ये जहां कहीं होते हो उन लोगों को ही मार दो जो ये काम करते हैं। फिर जुदा चीन बलहीन सुर सहज ही मिलिए आए, जब भूखे मरेंगे देवता तो फिर हमारा क्या करेंगे, फिर तो अपने आप ही उनको पकड़ पकड़ के बांध लो और जेल में डाल दो। मंत्री कुमंत्री हो सचिव हो वैद्य गुरु तीन जो, बड़े ध्यान से सुनिएगा मतलब की बात बता रहा हूं आप सभी के, तीन आदमी बड़े सज्जन होने चाहिए हमारे पास में। कौन से? सचिव। सचिव कहते हैं किसको? मंत्री को, सलाहकार। सचिव वैद्य, वैद्य कौन? डॉक्टर। सचिव वैद्य गुरु, तीसरे कौन? गुरु। सचिव वैद्य गुरु तीन जो भय बोले प्रिय आस, तो राज धर्म तन तीन को होई बेग ही नास, राज धर्म तन तीन को होई बेग ही नास। मंत्री अगर मुंह देखी बात करें, डॉक्टर साहब भी कह दे भाई वैसे तो ये परेज है पर लाला जी कोई बात नहीं आपसे नहीं हो सकता तो मत कर दो। गुरु कहे शिक्षा तो भाई ऐसे प्राप्त करनी है पर तेरी मर्जी है, ऐसे नहीं तो भाई ऐसे कर ले, बस वही काम खराब है। फिर क्या होगा? राज धर्म तन तीन को, न तो राज रहेगा न धर्म रहेगा और न शरीर रहेगा, तीनों का ही सत्या नाश। सावधान, मैं आपको सावधान करता हूं,
श्री ध्रुव प्रसाद हमारे शहर के भूषण, हमारे शहर के गहने, विद्वान में अग्रणी, मैं भव्य स्वागत करता हूँ। श्री कमल किशोर शास्त्री जी के साथ पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके, कृतार्थ हो गया आपके दर्शन करके। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। हमारे वैदिक पितृ के संरक्षक आजीवन, इनको कोई नहीं हटा सकता, प्रधान हटेंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन संरक्षक जी आजीवन संरक्षक हैं, पधारे हैं, मैं स्वागत करता हूँ। सचिव वैद्य गुरु तीन जो भय बोले प्रिय आस, तो राज धर्म तन तीन को कोई देगी नाश। न राज रहा न धर्म रहा न शरीर रहा, तू फिर रहा क्या? कंस के लिए भी वही बात हो गई, मंत्री भी उसकी मुंह बोली बात करते हैं, कोई सलाह देने वाला नहीं। एवं दुर्मत्र कंस सहसमत्र दुर्मति ब्रह्म हिंसा हितम मेने काल पास व्रतो असुर। जैसे मंत्रियों ने सलाह दी, वैसा ही ब्राह्मणों की हिंसा, गायों की हिंसा, धर्म को निर्मूल करने का सब साधन बना दिया। जे ही विधि होए धर्म वेद प्रतिकूला, वेदों से उल्टे चलते हैं, धर्म को निर्मूल करना चाहते हैं। लेकिन सावधान, एक और बात बता देता हूं, हमारा धर्म कभी निर्मूल नहीं होता, हिरास जरूर हो जाता, कभी जरूर हो जाती है, लेकिन धर्म निर्मूल नहीं होता, कोई ना कोई खड़ा हो ही जाता है। किसी न किसी को परमात्मा भेज ही देते, किसी न किसी को भगवान भेज ही देते, क्योंकि धर्म की मूल है तो भगवान की नाभि में है, परमात्मा की नाभि में है, और वो शाश्वत है, और हमारा धर्म भी शाश्वत है, क्योंकि हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। सभी धर्मों की कोई अवधि है, कोई 1400 साल है, तो कोई 500 साल है, तो कोई 1900, 2000, 2200, 2100 साल है, लेकिन हमारे धर्म का तो शायद आदि भी सनातन था और अंत भी सनातन रहेगा, सनातन के अलावा कोई धर्म नहीं। दुनिया में जो रिसर्च हुई कि पढ़े लिखे सबसे ज्यादा कहां रहते थे, रिसर्च हुई इस बात की, आप लोग बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, जानकार बैठे हैं, तो रिसर्च में यह बताया गया कि जब दुनिया 5% भी पढ़ी हुई नहीं थी, तब भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने वेद तैयार कर लिए थे, तब वेद तैयार थे, और वेद वाणी ने, आज तक वेद वाणी का किसी ने पार नहीं पाया है। बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है वेदों पर, बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है गायत्री मंत्र पर, बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है महामृत्युंजय मंत्र पर, इसमें कहां से शक्ति आती है कि मृतक जीव भी जीवित हो जाता है। इसलिए अपने धर्म में इतना बल है, इतनी ताकत है, इस ताकत को पहचानिए, इस ताकत को संभालिए, इस ताकत को पाने की कोशिश करिए, और ये तभी संभव है जब आप सांगोपांग धार्मिक होंगे, आप संपूर्ण धार्मिक होंगे, बनावटी धार्मिक से ये बात नहीं बनती है। तो इधर कंस ने मता बनाया है, भेज दिए लोग,
माताओं की गोद से खींच खींच के जबरदस्ती बच्चों को सड़क पर डाल के मार देते हैं, बच्चों की हत्या करना, बाल हत्या करना, गर्भवती स्त्री की हत्या करना, गौ हत्या करना, ब्रह्म हत्या करना, ये सब बराबर पाप हैं, एक जैसे पाप हैं। इन पापों से जीव डूब जाता है। गोकुल में सवेरे नंदरानी उठी तो उसने देखा मेरे बगल में अद्भुत बालक सो रहा है। बालक ने भी रुदन किया, यशोदा मैया जागृत हुई। यशोदा की एक नंद थी, उसको पता लगा, वो दौड़ी दौड़ी गई अथाई पर और नंद बाबा को बताया, अरे भैया तुमको पता ही नहीं लल्ला हुआ है। सुनते ही सुनंदा नाम की अपनी बहन को जो गले में पहने हुए थे सारे गहने दे दिए, बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को बुलाया, नंदीमुख श्राद्ध कराया और तुरंत ही सवाला गाय सोने से सींग मण करके, चांदी से खुर मल करके, कांसी का दोहन पात्र लेकर के, रत्नों से सजा करके नंदराय जी ने सबसे पहले गौदान किया। आज मेरे घर में सुख आ गया। तो नंदराय जी का जो सुख है वो वर्णन तो नहीं किया जाता, लेकिन हमारे सांगीतिज्ञ कुछ थोड़ा सा नंदोत्सव के रूप में मनाएंगे। झूले अंगना में पल लगा डाला हुआ
भी भक्त कहेंगे मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। बाबा के घर जाओगे
बिहारी लाल की बोली सच्चे दरबार की। हमारे कमेटी के सदस्यों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो सौ सौ बार बधाई लोगों, जय हो लाखों बार बधाई। वो नंद जुटे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुटे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुटे अंगना में बज रही आज बधाई। I'm gonna get you.
यशोदा मैया के लल्ला नहीं हुआ। आज जब यशोदा मैया के भी लल्ला हो गया है तो रोहिणी ने अब तक कोई वस्त्र आभूषण नहीं पहने थे, क्योंकि पति जेल में, बहन जेल में, लेकिन आज वो खुशी हुई है भगवान के जन्म की, तो रोहिणी ने भी अब वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। सभी सज धज करके घूम रहे हैं, तभी याद आता है नंद राय जी को, मैंने वार्षिक कर देना है, टैक्स देना है, कर देना है, किसका? कंस का। तो कंस का टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए नंद राय जी अपने सहपाठी सहयोगियों के साथ में मथुरा जी में आते हैं। एक बार बोलिए, शांति हो जाएगी। बांके बिहारी लाल की जय हो।
यहाँ टैक्स का भी बड़ा चक्कर है जी। रघुवंश नवनीतम में हमने पढ़ा है कि टैक्स क्या चीज होती है, कर क्या चीज होती है। उसके लिए बताया है कि सूर्य देवता धरती से बाष्पीकरण करके जल सींचता है, खींचता है, लेकिन उससे कई गुना समुद्र से खींचता है और समुद्र से पृथ्वी से लेकर के फिर पृथ्वी के ऊपर वर्षा कर देता है, जिससे धन धान्य की समृद्धि आती है। ऐसे ही राजा को भी टैक्स लेकर के, कुछ सम लोगों से, कुछ धनवानों से ज्यादा लेकर के किसके भले में लगाना चाहिए, प्रजा के भले में, आम लोगों के भजाने। जैसे रवि सूर्य लेता है और सहस्त्र गुणाम आदंते ही रसम रवि, ऐसा लिखा है कि वो सौ गुना करके फिर पृथ्वी पर वर्षा देता है। ऐसा ही राजा को चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसे हम मुख से खाते हैं लेकिन रस सारे अंगों को जाता है, ऐसे ही राजा को टैक्स लेकर के, कर लेकर के सारी प्रजा का भला करना चाहिए। लेकिन आजकल के राजा क्या करते हैं, तुमने तो पंडित जी हमको वोट ही नहीं डाले, सेठ जी तुमने तो वोट ही नहीं डाले, भलाई की जगह बुराई। धन्य है आज का समय कुछ ऐसा, लेकिन पुराना समय ऐसा होता था, राजा लेकर के टैक्स प्रजा की भलाई में ही उसको लगा देता था। कंस भी टैक्स लेता है, लेकिन कंस का टैक्स भी प्रजा की भलाई में न लग करके दुराचारों में, बुरी कर्मों में लगता है। लेकिन भरतार तो है ही जो आश्रित है। नंदराज जी टैक्स भरने गए तो याद आया, क्या याद आया, अहो ते देवकी पुत्र कंसे नमो हतः एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। ओहो देवकी वसुदेव के पुत्रों को कंस ने मार दिया, एक बिचारी कन्या भी बची उसको भी मार डाला। चलो दुख प्रकट कराते हैं, चलो अफसोस कराते हैं। इसलिए नंदराय जी वसुदेव जी महाराज से मिले, देवकी जी से मिले, बातचीत की काफी देर हो गई, तब वसुदेव जी ही खुद कहते हैं कि करो भाई वार्षिको दत्तौ राजे दृष्टा वचम जब ने अष्टियम बहुति तया संतु पाताश गोकुले। हे महाराज नंदराय जी, आपने टैक्स दे दिया, महाराज कंस से मिल लिए, हमसे भी मिल लिए, बातें भी हो गई, अब आप गोकुल के लिए चले जाइए, क्योंकि बड़े बड़े उपद्रव ब्रज में होने लग गए हैं। तो इस प्रकार नंदराय जी चले आते हैं वहां से। इधर क्या होता है कि कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुं चार निर्घंती पुरक ग्राम ब्रजादिशु। कंस ने अपने अनुचरों पर ब्रज के सब लोगों को मरवा दिया, सब बच्चों को मरवा दिया। छोटे छोटे बच्चे 6 महीना पहले जन्मे हैं, साल भर तक के हैं, उन सब बच्चों को मरवा दिया। लेकिन गोकुल के लोग पहरा देते हैं और किसी अनुचर को, कंस के को गोकुल में प्रवेश नहीं करने देते। और बातें चलने लगी कि नंदराय जी के भी घर में पुत्र पैदा हुआ है और एक नहीं दो पुत्र हैं उनके घर में, और वहां जबरदस्ती अनुचर जाएंगे
तो हो सकता है माहौल बिगड़ जाए। सारे वंशी वृष्णि वंशी हैं जो हमारे खिलाफ हो जाए, इसलिए वहां पर जो है सोच रहे हैं क्या करें। इतने में ही पूतना की याद आई, पूतना कब काम आएगी, तो पूतना को बुलाया और उसको जिम्मेदारी दी कि तुम जाओ और जाकर के नंदगांव में गोकुल में श्री जसोदा जी के यहां, श्री नंदराय जी के यहां दो बालक हैं, उनका वध करके आओ। उसने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसने अपने स्तनों से हलाहल जहर, कालकूट जहर जो बड़ा तीक्ष्ण होता है, बड़ा तीव्र होता है, जिसको छूते ही आदमी मर जाए, ऐसा स्तनों से लगा करके चल दी गोकुल की तरफ। सोचने लगी मुझे गोकुल में जाने कौन देगा, इसलिए सुंदर रूप बनाया, वो रूप छिपाया, सुंदर रूप बनाया, बड़ी सुंदरी बन गई। सुंदरी बन के जा रही है, लोग सोच रहे हैं शायद आज तो हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए कोई देवलोक की अप्सरा आई है, लेकिन क्या पता है ये पूतना है। सीधी चली गई नंद भवन में, लोगों ने रास्ता बता दिया। वहां जाकर के कहने लगी बहन तू नहीं जानती होगी, मैं तेरी बुआ सास की यो यो लंबी रिश्तेदारी बता दी, और मेरे को परमात्मा ने एक ऐसा गुण बख्शिश किया है। क्या किया है कि जो मेरे स्तन पान कर लेगा उस बच्चे को जिंदगी में कभी नजर नहीं लगेगी, और हमारी माताओं को यह बात पता लग जाए कि ऐसा कोई गुण इसमें है तो फिर तो वो निछावरी ही हो जाती है। ऐसे ही मैया यशोदा ने कोई विचार नहीं किया, भगवान को गोदी में उसके में पकड़ा दिया और पकड़ा करके बोली बहन मेरे घर में आगंतुक बहुत आए हैं, रिश्तेदार बहुत आए हैं, मैं उनकी आप भगत करती हूं और तुम ये लल्ला अपनी गोद में ले लो, स्तन पान करा दो ताकि इसको जिंदगी में कभी नजर ना लगे। अब पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया। पूतना क्या है, माया, नाम ही पूतना है, जिसके पूत है ही नहीं वो पूतना। पूतना गोद में लेकर के भगवान को मुस्कुरा रही है, आज इसका काम तमाम करूंगी और कंस से बहुत बड़ा इनाम पाऊंगी। लेकिन भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, कोई नहीं मासी जी आप आ ही गई हैं, तू फिर आ जाओ कोई बात नहीं। अब उसने इधर उधर देखा कि चलो अब वो काम करती हूं जिसके लिए मैं आई हूं। तो इधर तो पूतना ने अपना काम शुरू किया, इधर भगवान ने आंखें बंद कर ली। बात आती है कि आंखें क्यों बंद कर दी, तो सबसे पहली बात आती है कि पूतना थी अविद्या। अविद्या भगवान के सामने टिकती नहीं है, इसलिए भगवान ने आंख कर बंद कर ली कि इसको अपना काम करने दो। दूसरी बात आती है कि भगवान ने देखा कि ये पापिनी है और पापिनी का मुंह नहीं देखना चाहिए, शायद इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरा कारण आता है कि इस जन्म में तो इसने कोई अच्छा काम किया नहीं है, बच्चों को ही मारा है, और यहां तक मेरे पास तक पहुंच गई। मेरे पास तक पहुंचना कोई सरल बात नहीं है, क्योंकि रामायण में कहा लिखा है कि सन्मुख हो जीव मोहि जब करण जब जीव को होता है तो ये समझ लो करोड़ों जन्म के पातक उसके खत्म हो गए, और इसने तो बालकों को मारा है, इसलिए शायद भगवान आंख बंद करके देख रहे होंगे, सारी फाइलें निकलवा निकलवा करके इंक्वायरी कर रहे भगवान कि कौन से जन्म में चंगा काम कर लिया इसलिए यहां तक आ गए।
एक बार और, शायद भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली हो, आई तो है दूध पिलाने के लिए मां बन करके, करेगी पाप का काम। अब सोचने लगे कौन सा लोक प्रदान करूं, आखिरकार मां बन के तो आई। सोचने लगे बैकुंठ दे दूं इसको, तो शायद आंख बंद करके ये देख रहे हो कि बैकुंठ में कोई सीट वेकेंसी है क्या, कोई खाली है सीट, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। तीसरे एक और बात आती है कि भगवान सोचने लगे मैं तो आया था ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, और पहला ही दिन ये मासी पूतना से भेंट हो गई, कालकूट जहर लगा के आई है, और मेरे को तो हैबिट है मक्खन खाने की, मेरे को आदत तो है मक्खन खाने की, जहर पीने की आदत तो मेरे को है नहीं। हाँ, जहर पीने की आदत भोले बाबा को है, इसलिए शायद भगवान आंखें बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे होंगे। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। तो ध्यान कर रहे होंगे भोले बाबा आ जाओ, जहर आप पी लो और मक्खन मिश्री बाद में मैं खा लूंगा, इसलिए शायद भगवान ने आंखें बंद कर ली होंगी। अब भगवान ने कहा चलो ठीक है अब आई गई है, तो परमेश्वर प्रवेश हुए भोले बाबा, भोले बाबा ने जहर पी लिया और भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। जब प्राणों को खींचने लगी तो सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पिंड मानाखिल जीव मर्मणि निप्रतने ते चरणो भुजौ प्रविष्ट गाता क्षिपती रुरोदह। अरे छोड़, अरे छोड़, अरे जल्दी छोड़, जल्दी छोड़, क्या करता है, अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे, ऐसे कहते कहते हाथ पैर मारने लगी और आंखों से प्राण निकल गए, खुली की खुली आंख रह गई। भगवान छाती पर अब भी सो रहे हैं महाराज जी, और वो पी रहे हैं आराम से बड़े प्रेम से, आकाश में ले गई, पहले शहर से बाहर जा करके धड़ाम से गिर गई, बड़ा लंबे चौड़े विस्तार उसका प्रकट हो गया पूरा शरीर। कहते हैं कि हाथरस में हाथ पड़े थे, मुड़ेसी में मूड पड़ा था, कोई अंग कहीं, कोई अंग कहीं पड़ा, और भगवान ऊपर बैठे आराम से, कोई चिंता नहीं। मतलब की बात यह है कि परमेश्वर ने कहा भैया मैं तो दूध मुआ बच्चा, दूध पीने की मेरी आदत है, लेकिन मासी जी मेरे दूध पीने से ही आप मर गई, तो बताओ मेरा क्या दोष है। इतने में ही नंदराज जी टैक्स दे करके, कर दे करके मथुरा से पधारे। उन्होंने देखा यहां पहले पर्वत तो कोई था नहीं, ये बीच में पर्वत कहां से आ गया, और पर्वत तो है सो है लेकिन इसके ऊपर नीलमणि भी है कोई। इतने में ही सब लोग रोते हुए गोकुल से बाहर आए, समझने में देर नहीं लगी, सभी ब्रजवासियों ने काट काट के उसको टुकड़े कर करके इकट्ठा करके सारा ईंधन दुनिया भर का उसको जब जलाया तो उसके शरीर से बदबू नहीं आई, क्या आई, खुशबू आई। राजा परीक्षित पूछते हैं प्रभु खुशबू क्यों आई, वो तो पूतना बालघातनी राक्षसी रुद्रासना ऐसी पापनी के शरीर से खुशबू कैसे आ गई प्रभु। तो कहते हैं इनको परमात्मा का स्पर्श जो मिल गया, अब भगवान का स्पर्श जिसको मिल जाए उसमें से बदबू कहां से आए, खुशबू ही आए। भगवान सात दिन के हो गए, सात दिन के हो गए,
मैया ने सोचा एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं, कोई पहले फंक्शन किया नहीं था। तो मैया ने एक फंक्शन रख लिया छोटा सा, उसमें सभी गा रहे थे बजा रहे थे। भगवान को एक बैलगाड़ी और बैलगाड़ी में कपड़ा लटका करके आगे बांध के पीछे बांध के झोली सी बन जाती है उसमें डाल दिया। भगवान सो रहे हैं आराम से, सभी लोग नाच गा रहे हैं। मैया सोच रही है, भगवान सोच रहे हैं, फंक्शन मेरा, नाच गान ये रहे हैं, मेरा कोई ध्यान ही नहीं कर रहा है, इसलिए कोई ऐसी लीला करी जाए कि इनका ध्यान मेरी तरफ हो जाए। तो भगवान ने एक लात मारी, लात मारते ही वहां पर ऊपर बैठा था शकटासार नाम का एक राक्षस, उसका काम तमाम हो गया, गाड़ी छकड़ा जो था वो पलट गया, बड़े जोर की धाम सी आवाज हुई, सभी दौड़ के आए। माता ने यशोदा ने गोद में लिया भगवान को, बार बार परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु आपने आज मेरी मेरे गोपाल को बचा लिया, आज मेरे नंदलाल को बचा लिया, आज मेरे श्याम सुंदर को बचा लिया। लोगों से पूछने लगी, कोई हवा नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, ये छकड़ा कैसे पलट गया? छोटे छोटे बच्चा खेल रहे थे वहीं पर भगवान के पास में। उन्होंने कहा, मैया हम बताएं कि हाँ बताओ कि ये तेरा लल्ला है ना, इसने लात मारी छकड़ा पलट गया, जा दारी के कहीं मेरे लल्ला इतना छोटा सा 7-8 दिन का और इसकी लात से छकड़ा पलट सकता है, कैसी बात करते हैं। मैया ने सोचा रे क्या करें, रोज रोज पहले वो राक्षसी आ गई, आज ये संकट आ गया, रोज रोज मेरे लल्ला पर कोई ना कोई संकट आ जाता है, चलो गौशाला में चलते हैं। गौशाला में गई, बहुत सारी गाय अलंकृत करके ब्राह्मणों को दान दी और गाय की पूंछ से भगवान का झाड़ा कर रही है, भगवान का ही नाम ले रही है, भगवान का ही झाड़ा कर रही है। भगवान बड़े खुश हो रहे, लो जी मेरे ही नाम से मेरा ही झाड़ा हो रहा है, भगवान यहाँ रक्षा करें, भगवान वहां रक्षा करें, भगवान वहां रक्षा करें, वो भगवान वहां रक्षा करें, ऐसे करके भगवान के ही नाम से। यहाँ बात चर्चा होती है कि भगवान से बड़ा है भगवान का क्या बड़ा है, हरि से बड़ा हरि का नाम, जगत में निकला ये परिणाम हरि से बड़ा हरि का नाम, क्योंकि भगवान का ही झाड़ा भगवान के ही नाम से हो रहा है, भगवान की नजर भगवान के ही नाम से उतारी जा रही है, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो इस तरह एक दिन माता काम कर रही थी, गोदी में भगवान लगे थे, भगवान की लीला गा भी रही थी और खिला भी रही थी भगवान, खेलते खेलते भगवान में बड़ा भार हो गया, बूंद हो गया, मां घबरा गई, एकदम वजन कैसे बढ़ गया, मां ने उतार दिया, जमीन पे बिठा दिया, भगवान खेलने लग गए, मां काम में लग गई। इतने में ही तृणावर्त नाम का एक राक्षस, आप जानते हैं चक्रवात जिसको कहते हैं, हवा के दबाव से जो है घूमती है हवा और उसमें छोटी मोटी चीजें उड़ जाती हैं, वही बवंडर का रूप धारण करके तृणावर्त नाम का राक्षस आदम का और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गया। वहां जाकर के भगवान ने उसकी गर्दन दबाई और उसके समय जमीन पर गिरा दिया, राक्षस के प्राण पखेर उड़ गए। इस तरह भगवान ने छोटी सी अवस्था मेरे भाइयों सनातन प्रेमियों, बड़ा भारी दुख होता है जब कोई भगवान पर उंगली उठाता है, अल्पबुद्धि इंसान ये मोबाइल साधन बना लिया है और इस पर बड़े बड़े प्रसंग डालते हैं, एक गिरे हुए से गिरा हुआ इंसान भी उंगली उठा करके हमारे धर्म पर चला जाता है। कृष्ण भगवान के ऊपर जो 16 कला संपन्न थे उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, अरे उंगली उठाने से पहले ये तो देखो कि 7 दिन की अवस्था में पूतना का वध कर दिया, ये कोई साधारण इंसान का काम है, तृणावर्त का वध कर दिया,
बड़े बड़े दुष्टों का वध कर दिया। एक दिन मैया ने क्या किया, सुंदर श्रृंगार किया भगवान का, और सुंदर श्रृंगार करके पलने में पोड़ा दिया। वही रामलीला जैसा प्रसंग, रामचरित जैसा प्रसंग आया कि एक बार जननी और बढ़िया सुंदर सजा करके भगवान को पलना में डाल दिया है। धन्य है भगवान, पलने में सो रहे हैं। जुग जुग जी बैरी तो जुग जुग जी बैरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी बैरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी बैरी जसोदा मैया तेरो मैया
हरी हरी ताकि वृंदावन तक आवाज पहुंचे। आइए, अभी तक प्रभु का नामकरण नहीं हुआ, प्रभु के नामकरण में प्रवेश करते हैं। गर्गह पिरोहितो राग यदूनां सुमहातपा गामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदिता। गर्ग मुनि जी महाराज जो वसुदेव जी महाराज के कुल पुरोहित हैं, वसुदेव जी महाराज ने सोचा मेरे लल्लाओं का अभी तक नामकरण नहीं हुआ, इसलिए नामकरण संस्कार किया जाए। ऐसा मन में विचार करके गुरु पुरोहित जी को बुलाया और कहा महाराज आप गोकुल जाइए और नंदराय जी के घर में दो मेरे पुत्र हैं, आप उनका नामकरण संस्कार कराइए। तो गर्ग जी महाराज चलकर के नंदराय जी के घर आए, महलों में आए। नंदराय जी ने बड़ा स्वागत किया। नंदराय जी खुद ही कहने लगे महाराज जब आप आए हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, तो मेरे घर में जो लल्ला पैदा हुए हैं दो, आप उनका नामकरण कर दीजिए। तमी ब्रह्म विदान श्रेष्ठ संसकारान कर तुमयसी बालयो नाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। हमारे तो गुरु ही ब्राह्मण हमेशा के हैं। आप पधारे हैं तो कृपा करके मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्ग जी कहते हैं महाराज कहीं चक्कर ना पड़ जाए। कहने लगे चक्कर काहे का पड़ेगा? कि चक्कर यूं पड़ जाएगा, मैं बताऊं आपको कि यदूनां महामाचार्य ख्यातस्य भूमि सर्वतः सुतम मया संस्कृते मन्यते देवकी सुतम। सारी दुनिया जानती है कि मैं यदुवंश का जो है पुरोहित हूं। अगर मैं यहां नामकरण संस्कार कर दूंगा तो कंस को पता लग जाएगा और वो पक्का समझ लेगा कि यही देवकी का पुत्र है। इसलिए पहले ही कष्ट बहुत आ रहे हैं और कष्ट चले आएंगे। नंदराय जी कहते हैं इसके लिए मेरे पास उपाय है। कहने लगे क्या उपाय है? कि कोई भी हम बड़ा फंक्शन नहीं करेंगे, उत्सव नहीं करेंगे, छुप करके गौशाला में और हम जो है नामकरण करा लेंगे। अलक्षितो ही अतुल लहसी
मकई वृद्धि को ब्रजो गुरु दुजाति संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वकम। मैं गौशाला में बच्चों को ले आता हूँ, वहां आप आ जाइए महाराज, और आप आकर के स्वस्ति वाचन पूर्वक मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। कहने के ये बात ठीक है, किसी को पता नहीं लगेगा कानों का, चलो ठीक है। अब नंदराय जी ने ये बात यशोदा जी को बताई, यशोदा जी तो बिगड़ गई, महाराज पधारे हैं आप जो है वही पर नामकरण संस्कार करा लीजिए। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान जाते हैं, क्योंकि हमको सबसे अमूल्य हमारे बच्चों के प्राण हैं, इसलिए तुम्हारे कहने से हम मान जाते हैं। नंदराय जी चले गए, जसोदा मैया कहने लगी, हे बहन रोहिणी कि हाँ पता तो लगे बाबा वास्तव में ज्ञानी है क्या वैसे ही खरिया चाटने वाला है, खीर पूड़ी खाने वाला है कि रियल में ही ज्ञानी है, वास्तव में ही ज्ञानी है, पता कैसे लगे कि ऐसा करते हैं कि तू मेरा बेटा ले ले, मैं तेरा बेटा ले लेती हूं, अपने आप पता लग जाएगा, वो मेरा बेटा तेरा समझेगा, तेरा बेटा मेरा समझेगा, वहीं पर पता लग जाएगा बाबा तो कुछ नहीं है, ऐम ही है खाली। तो दोनों ने अदला बदली बच्चे की कर ली। एक बार बोलो बांके, इधर से बोलेंगे, बोलो बांके बिहारी, अब इधर बोलो बांके, वाह वाह आज तो हाजिर जवाब है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चेकारा क्यों लेते हैं हम, कि शरीर से पातक जो हैं, उपपातक पातक सारे निकल जाते हैं। एक बात और मैं बता देता हूं, बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, सत्संग में बैठ करके अपनी बात नहीं करनी चाहिए, सत्संग में बैठ करके अपनी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, हम तो करेंगे, फोन आएगा तो सुनेंगे, इसलिए नहीं करनी चाहिए कि एक दिन पाप जो है भगवान के पास चला गया, पाप कहने लगा भगवान सारी दुनिया दुत्कार देती है मुझे, कोई नेड़े नहीं आने देता, कोई पास में बैठने नहीं देता, इसलिए मेरे लिए भी कोई थां बता दो। पाप कहे भगवान से, पाप कह रहा है भगवान से, क्या कह रहा है, पाप कहे भगवान से ए जी हमको थां बताओ, कोई जगह हमको भी बता दो कहां रहे हैं हम, सब दुनिया दुत्कारती है, तो भगवान कहते हैं बताओ कि हाँ बता दो महाराज। पाप कहे भगवान से हो प्रभु हमको था बताओ, और जो सत्संग में बातें करे, जो सत्संग में बातें करे भैया तुम उसके ही मुंह में जाओ। अब बोलो अभी बात करोगे क्या, नहीं करेंगे ना, तो बोलो बाके बिहारी लाल की। मैया रोहिणी भगवान को गोद में ले लिया, मैया जसोदा ने बलराम जी को गोद में ले लिया, अदली बदली करके आ करके और भगवान गर्ग जी के सामने बैठ गई दोनों, और कहने लगी हाँ बाबा बताओ नाम मेरे बेटा का बताओ, मेरे बेटे का बताओ। तो भगवान कहने लगे, क्या कहते हैं कि अयम हिरोइणी पुत्र, हे जसोदा जो तेरी गोदी में बैठा है वो तेरा बेटा है कि नहीं है, हा? अरे बोलो ना करो या हाँ करो, नहीं है। अयम हिरोइणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणई, अपने गुणों से संसार में रमण करेगा, इसका नाम क्या होगा, आख्यायते राम इति, इसका नाम राम होगा, लेकिन कुछ और भी लगेगा साथ में, क्या लगेगा कि बलाधिक्याय बलम विदु, बल के
साथ में राम लगा दिया जाएगा तो नाम हो जाएगा क्या? बलराम। जसोदा कहने लगी, बहन ये खीर पूरी खाने वाला पंडित नहीं है, ये तो पूरा पहुंचा हुआ है, ने तो पहचान लिया। तो कहने लगे, अब इसका नाम भी बताओ जो रोहिणी की गोद में है। तो उनका राम बताते हुए कहते हैं, भैया सुनो, क्या बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मान रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इस तेरे पुत्र के, उसको कहा रोहिणी का पुत्र, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है, लेकिन ये तेरा पुत्र है जसोदा, और ये कैसा है? बहूनि संति नामानि, हरि के हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, जितने कर्म करे उतने ही नाम। गाय चराने करे गोपाल बन गया, रस्सी से बांध दिया दामोदर बन गया, है गोवर्धन धारण कर लिया तो गोवर्धन धारी बन गया। अरे बहूनि संति नामानि, क्या इनके नामों का बताऊं? इसके बहुत नाम है, लेकिन एक बात बताए देता हूं। क्या बताए देते हैं? कि शुक्लो रक्त तथा पीत, सफेद रंग ले लो, ले लिया सफेद रंग, फिर पीला भी ले लो, फिर लाल भी ले लो, तीनों को मिला दो, कैसा बन गया भैया? कलर के जो विज्ञान जानने वाले वो जानते होंगे कैसा बन जाता है, श्याम रंग बन जाता है, कृष्ण रंग बन जाता है। शुक्लो रक्त तथा पीत इदानी कृष्णताम गतः, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब मेरे भगवान के नाम हो गए। मैया जसोदा कहने लगी, पंडित जी भोजन किए बिना तो जाना नहीं। गर्ग जी कहते हैं, हम तो यदुओं के हाथ का खाते नहीं, यदुवंशियों के हाथ का खाते नहीं है, तो फिर हम तो स्वयं पाकी हैं। स्वयं पाकी समझते हो? आजकल कोई ब्राह्मण नहीं है स्वयं पाकी। स्वयं पाकी का मतलब अपने हाथ से बनाते हैं और भगवान को भोग लगा के खाते, उसको कहते हैं स्वयं पाकी। मैया कहती है, फिर बन गया काम बाबा जी, हम आटा डाल घी सब कुछ दे देते हैं, आप बनाओ खाओ, माड़ा सा प्रसाद हमारा लिए भी छोड़ देना है, थोड़ा सा दाल चूरमा। कहने लगे, ठीक है जसोदा, तेरी श्रद्धा है तो तू चौका चूल्हा साफ कर दे, बर्तन साफ कर दे, मुझे सामान दे दे, मैं बना लूंगा, भगवान का भोग लगा के खा के चला जाऊं, बचा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर लेना। मैया ने कहा ठीक। अब मैया जसोदा ने चौका चूल्हा साफ कर दिया, पंडित जी ने खाना बनाया, बड़े प्यार से खाना बनाया, घंटे दो घंटे लगाए, खीर कढ़ा जो जो होता है सब कुछ बनाया, बना करके भगवान की थाली लगा ली, लगा करके आंखें बंद करके और मंत्र बोलने लगे, हे प्रभु आओ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना, प्रभु भोग लगाइए आकर के। श्याम रसिया घन श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगा रसिया, श्याम रसिया घन श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगा रसिया, श्याम रसिया घन श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगा रसिया। बंद और भोग लगाने का मंत्र बोल रहे हैं, बड़े प्रेम से पुकारे, आओ भगवान भोग लगाओ, घुटने से सरकते 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 खीर की जो थाली थी उसमें से सपड़ सपड़ करके भगवान ने चार पांच हाथ मार दिए, बोलवा के बिहारी लाल की। जब बाबा ने आंखें खोली तो देखा जसोदा का लल्ला काला काला क्या कर रहा है, खो रहा है। बाबा गर्ग जी कहने लगे, ओ मैया जसोदा कि हाँ, अरे तेरे लल्ला ने झूठा कर दिया भोजन, अब हम नहीं खाते, जा रहे हैं।
यशोदा मैया कहने लगी, बाबा गलती हो गई मेरे से, मैंने इसको पकड़ा नहीं, हे बाबा फिर दे देती हूँ आटा दाल, भांडे में साफ कर देती हूँ, फिर बना लीजिए। गर्ग जी ने पसीना छूट गया गर्मी में, फिर भोजन बनाया, फिर भोजन बना के भोग लगाए बिना तो खाएं कैसे रंती देव वाली बात, जब तक भोग नहीं लगेगा खाएंगे कैसे। अब उन्होंने फिर भोग लगाना चाहा, लगा रहे हैं श्याम रसिया घन श्याम रसिया रुचि रुचि भोग और आकर के फिर भोग लगा दिया तीसरी बार में। अब गर्ग जी पूरे नाराज हो गए, मैं नहीं खाऊंगा तेरे घर का। माता ने कहा, अरे कन्हैया तीन बार बाबा ने भोजन बनाया, तीन बार तूने झूठा कर दिया। भगवान कहने लगे, मैया ओ मैया मैं क्या करूं, ये प्रेम से बुलाता है तो मुझे आना ही पड़ता है। बोलोवा के बिहारी लाल, चार दिन से तो आपने ताली किसी दिन बजाई नहीं, पर आज बजा दी तो आज ही से। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही बस सार है, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जहां प्रेम होता है परमात्मा वहीं आते हैं, जहां प्रेम नहीं होता भगवान नहीं आते। कितना भी बुला लो कितना भी पुकार लो नहीं आएंगे। गर्ग ने प्रेम से बुलाया आ गए। फिर गर्ग ने सोचा, मैं ही तो कह रहा था कि इष्ट देव है ये भगवान है और मैं ही भूल बैठा। अरे मैया यशोदा अब तो इसका झूठा ही खाऊंगा मैं। भगवान ने झूठा भोजन किया भगवान का गर्ग पुरोहित ने। इस तरह से पुरोहित जी चले गए। एक दिन भगवान मचल गए और कह रहे, मैया पहले तो कहने लगे मैं तो चंद्र के लोना लइयो, जइयो लौट धरन पर अब ही तेरी गोदन आइयो। मैया कहती है, लौट जा मेरा क्या करेगा, गंदा तू हो। फिर कहते हैं, होइयो पूत नंद बाबा को तेरो सुतन कहियो, मैं फिर तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं नंद बाबा का ही बेटा कहलाऊंगा। मैया कहने लगी, फिर क्या करूं कि चंद्र के लोना ला दे कि नहीं, तू चंद्र के लाना छोड़ दे बेटा, तू नई दुल्हनिया ले ले, नई दुल्हनिया की। हाँ कि दुल्हनिया तो ला दे फिर मैया, कैसी चाहिए बेटा। मैया में तो नई दुल्हनिया लइयो और तेरी सो मैया, मेरी में अब ही बियाहन जइयो। मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो, ओ मैया में तो नई दुल्हनिया लइयो। तो मैया कहने लगी, बता कैसी चाहिए, गोरी चाहिए काली चाहिए। अब तू काला है तो तुझे काली ही मिलेगी, गोरी कहां से आएगी। तो आइए भजन के साथ गाते हैं, कैसी मिलेगी। राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करह दे मेरे दुर्गा राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करह दे मेरे दुर्गा उमर तेरी छोटी है, हो 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 कैसे करह दूँ तेरे दुर्गा छोरी से, दिल की छोरी से।
चंदन की चौकी पर आया तुझको बेटा, चंदन की चौकी पे आया तुझको बेटा, चंदन की चौकी पर आया तुझको अपनी राधा में चरण तेरे चैनल के माध्यम से ये कथा देश विदेश में सभी जगह देखी जाएगी। इस कथा में संगीत में साथ निभाने वाले छोटे भाई विष्णुदास और हमारे बड़े कर्मठ धर्मज्ञ परीक्षित जैसे श्री ताऊ एंड कंपनी और जिसके यजमान श्री बांके बिहारी इस कथा के, तो क्यों ना भव्य हो, कोई ये मत समझ लेना ये रमेश पाराशर कथा सुना रहा है। जिस कथा के मुख्य यजमान राधा कृष्ण हो तो आशीर्वाद व्यास रूप में कोई भी बैठ जाए क्यों ना मिले। मैं कथा सुनाने वाला नहीं हूं, मेरी में क्या हिम्मत है जो इतनी बड़े पांडाल को संभाल सकूं कथा सुना सकूं। मुझे निमाने को मान बख्शा मेरे बांके बिहारी ने, मैं तिल तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूं। शब्द नहीं है मेरे पास, वर्णमाला नहीं है मेरे पास, शब्दकोश नहीं है जिन शब्दों से मैं बांके बिहारी का शुक्रिया अदा करूं। धन्यवाद। दूसरे धन्यवाद के पात्र में हमारे परम यजमान श्री मंगत गर्ग जी, जिन्होंने ये मान मेरे को बख्शा, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और व्यासपीठ से एक ही प्रार्थना करता हूं, ये परिवार धर्मराज दृष्टर स्वरूप, मंगत गर्ग भीमसेन स्वरूप, हमारे छोटे भाई
अर्जुन समेत स्वरूप श्री वकील साहब और नकुल सहदेव स्वरूप पप्पा जी और उक्का भाई साहब, ये ऐसे ही परिवार फलता फूलता रहे, ऐसे ही धर्म कमाता रहे। मेरे शहर फरीदकोट वासियों, जहां कहीं काम पड़ता है धर्म का, तो सबकी नजर ताऊ परिवार की तरफ होती है। और कभी भी माता कौशल्या से लेकर के आज तक मैया कौशल्या ने वो आशीर्वाद इस परिवार को दिया। मैया कौशल्या तो है नहीं, लेकिन ये परिवार आज भी उनके बताए हुए उसी मार्ग पर चल रहा है। पुण्य की जड़ सदा हरी होती है, पुण्य की जड़ सदा हरी होती है। इसलिए व्यासपीठ से यही घोषणा करता हूँ, ये परिवार इसी तरह फलता फूलता रहे, धर्म मार्ग पर चलता रहे। एक बार ताली बांके बिहारी लाल की जय है। एकदाग्रह आशीद यशोदा नंदी गे हरी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्मता स्वयं दधी। घर में बहुत नौकर नौकरियां हैं नंद बाबा के, लेकिन भगवान के लिए मक्खन मैया यशोदा अपने हाथ से निकालती है। भगवान सो रहे हैं और मैया मक्खन मख रही है, मथानी चल रही है। एक बात और बताऊं बीच में, जरा सुनिएगा ध्यान से। एक बार बोलवा के बिहारी लाल की, हमारे पंडित जी बोल रहे थे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं और अपना राला रानी से पैर तेरे दबवाऊं। आहा वाह वाह, ओ पंडित जी जमाना बदल गया। हमारी थानेदारनी जाकर के बठिंडा से पैर दबाने वाले मशीन ले आई है, सुबह बैठा के मैया को कह रही है, ओ मैया आजा तेरे पैर दबाऊं। मशीन में पैर रख करके पैर अपने आप ही दब रहे हैं, अब कोई चंदन की चौकी नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। धन्य भैया, दब तो रहे हैं, चलो मशीन से ही सही, दब तो रहे हैं, पर मैं संतुष्ट हूं। मेरी दोनों बहुएं यहां बैठी हैं, इन दोनों में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यार है। मैं स्वर्ग का वासी हूं। कैसे? कि यस्य पुत्रा वसी भूता। सुन लो, अगर आपके घर में भी ये हो तो, यस्य पुत्रा वसी भूता भार्या छंदानुगामिनी और विभवो यस्य संतुष्टा तस्य स्वर्ग इहै वही। अर्थ होता है यस्य पुत्रा वसीभूता, जिसके पुत्र अपनी मुट्ठी में है। तो आप सभी जानते हैं मेरे दोनों पुत्र बड़े लायक हैं भगवान की कृपा से, और भार्या छंदानुगामिनी और पत्नी, तो मैं उसकी बड़ाई कर ही नहीं सकता व्यासपीठ से। इतनी भली आदमी है, मेरे में दोष हो सकते हैं लेकिन उसमें दोष नहीं हो सकते। भार्या छंदानुगामिनी विभवौ यस्य संतुष्टा, जो अपने वैभव से खुश है, और लाओ का लालच नहीं है, तस्य स्वर्ग वही भी, उसको यही स्वर्ग है, और कहीं हो या ना हो। और अगर आप में से भी किसी में ये गुण है तो आप स्वर्ग के वासी हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मैया यशोदा अपने हाथ से भगवान के लिए दही मथ रही है। भगवान आवाज सुनी जाग पड़े, ऊ करके आए। मैया ने कहा, अरे बेटा क्या बात है कि भूख लगी है? तो स्तनपान कराने लगे। जब स्तनपान कराने लगे तो एक गंगी गाय थी भगवान के स्पेशल दूध के लिए। वो गंगी गाय जो थी किलो सवा किलो दूध देती थी, लेकिन उसका इतना गाढ़ा दूध होता था कि भगवान को वही दूध पिलाया जाता था। वो अलग औटाया जाता था, वो अलग गर्म किया जाता था। अब वो दूध सोचने लगा, भगवान अगर मैया के स्तनपान करने से ही, देखिए एक बात मैं बता रहा हूं आपको कि यहां क्षण को भी भगवान से प्रेम है, चेतन का तो कहना ही क्या। अरे चेतन तो सभी भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन यहां जड़ को भी भगवान से प्रेम है, स्नेह है।
दूध सोचने लगा मेरा क्या होगा, इसलिए दूध सोचने लगा अगर मेरे को भगवान ही नहीं पिएंगे मर जाना ही अच्छा है, इसलिए निकल करके और अग्नि में जाने लगे। भगवान गोद में लगे स्तनपान कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मैया तेरे को मैं प्यारा हूं या मेरे से और कोई वस्तु प्यारी है। यशोदा कहने लगी पागल बात करता है, तेरे से प्यारा मुझे कौन हो सकता है, कि नहीं नहीं मैया सच कहता कि नहीं तू प्यारा है, तेरे से प्यारा कोई नहीं, कि ये गौधन भी नहीं कि नहीं, ये दूध भी नहीं कि नहीं, मक्खन भी नहीं कि नहीं, ये दही भी नहीं कि नहीं। तो कहा ठीक है। इतने में वो दूध निकलते हुए मैया ने देखा अरे दूध निकल रहा है, मैया ने उठाया भगवान को धर दिया धरती पे और दौड़ी और वो दूध को उठाया बचाया उसको अग्नि में जाने से। अब भगवान कहने लगे मैया अभी तो तू कह रही मैं प्यारा और अब दूध निकल रहा है तो तूने मुझे पटक दिया और दूध को अब तू झूठ बोलती है, तेरे को मैं नहीं दूध प्यारा है, इसलिए भगवान के हाथ लग गया लोड़ा। लोड़ा समझते हो, जैसे चकचनी रगड़ी जाती थी पहले सिल पर, अब तो वो मिक्सी मिक्सी चल गई है, अब कोई रगड़ता नहीं है। ईंट मिली हुई मिर्च ले आते हैं, पाउडर मिला हुआ क्या ले आते हैं हल्दी, और खा रहे हैं बड़े आराम से। बांके बिहारी लाल की वो लोड़ा बताता जिससे चटनी वगैरह पीसी जाती सिल पर, वो उठाया और धड़ाम इसमें धड़ाम इसमें धड़ाम इसमें धड़ाम इसमें, और नंद के आंगन में कीची कीच कर दी, कोई गोर कोई घड़ा छोड़ा नहीं जो भगवान ने तोड़ा नहीं, सब सब तोड़ दिया। मैया बड़ी गुस्सा, इतने में ही आ गई ग्वालिन, वो शिकायत करने लगी तुम्हारा लल्ला हमारे घर में आकर के उत्पात करता है। अब और गुस्सा आ गया, अब भगवान को बांध रही है, पसीना छूट रहा है, दो अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। किसी ने कहा ऐसा करो प्रेम की रस्सी मंगाओ, वो कहाँ मिलती है कि बरसाने मिलती है, बरसाने से रस्सी मंगाई प्रभु को बांध दिया, भगवान ऊखल से बंधे हुए हैं। उखल से बांध दिया भगवान, मैया काम धंधे में लग गई। इधर मेरे भगवान के बड़े भाई श्री राम जी ने बलराम जी ने देखा आज मित्रों के साथ खेलने के लिए कन्हैया नहीं आया है, तो देखने के लिए आए कि आज क्यों नहीं आया है वो, तो देखा है तो उखल में बंधा हुआ। अब बलराम जी ने देखा मेरा भाई छोटा मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारा उखल से बंधा हुआ है, किसने बांधा है, मैया के सिवा और कौन बांध सकता है। मैया को झकझोर करके लाए, हे मां तूने ये क्या किया, मेरे प्यारे कन्हैया को तूने उखल से बांध दिया, अरे मैया देख इसके पेट में रस्सी गड़ गई है, इसको छोड़ दे। मैया कहती है चला जा दारी के, नहीं तो तेरे को भी इसी उखल से बांध दूं। माँ मेरे को बांध दे पर मेरे कन्हैया को छोड़ दे। आखिरकार मैया से कह रहे हैं भगवान बलराम जी क्या कह रहे हैं, ओ मैया अरे मैया उखल ते दियो बांध, श्याम ने कहा भिगाड़ी ओ मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा भिगाड़ी
यशोदा मैया ने एक नहीं मानी, बलदाऊ दुखी होकर चले गए। भगवान की दृष्टि पड़ी सामने यमलार जी, उनके दो पेड़ खड़े थे। प्रभु सब कुछ जानते थे, घुटनों से सरकते हुए गए। यमलार जी उनका उद्धार किया, उनमें से दो पुरुष निकले, नल कुबेर और मणिग्री। ये कुबेर के पुत्र थे, ये ऋषि के श्राप से वृक्षत्व को प्राप्त हो गए, क्योंकि नंगे होकर के किसी जल में स्नान कर रहे थे, वहां से ऋषि गुजरे, उन्होंने श्राप दे दिया। भगवान के स्पर्श से कल्याण हो गया। भगवान अब गाय चराने जाते हैं, बसास्त्र नाम का राक्षस बछड़ा बनकर के आया, प्रभु ने उसका कल्याण कर दिया। बकासुर नाम का राक्षस पूतना का भाई बहन का बदला लेने के लिए आया, प्रभु ने उसका भी कल्याण कर दिया। नित नई कोई न कोई लीला भगवान ब्रज में करते हैं। एक दिन सभी ग्वाल वालों ने सलाह बनाई, रोज नया कोई न कोई उपद्रव होता है, ये जगह छोड़ देते हैं। तो किसी ने कहा जाओगे कहां, तो कहेंगे एक जगह है, वो है वृंदावन, श्री धाम वृंदावन, जहां पर जो है जमुना मैया बहती है और बड़ा सुंदर वृंदावन है। वृंदा मतलब तुलसी, वन माने वन, जहां तुलसी का वन है वहां। तो वृंदावन में आकर के आवश्य वहां आकर के बसासुर नाम के राक्षस का कल्याण किया। अब अघासुर नाम का राक्षस पूतना का बड़ा भाई, वो भी कंस का भेजा हुआ, भगवान से बदला लेने के लिए आया और उसका भी कल्याण भगवान ने किया। एक दिन भगवान ने घोषणा की, भाई कल के दिन सभी अपने अपने घर से छाक लाएंगे, छाक मतलब भोजन, और सभी मिल करके बैठ करके सभी का भोजन मिला के खाएंगे, जैसे ये अन्नकूट बना हुआ है खाएंगे। तो सभी अपने अपने घर से लाए आए। श्रीदामा नाम का जो गोप था वो बेचारा बहुत ही गरीब था, उसके घर में कुछ नहीं था। उसने अपनी मां से कहा, मां भगवान ने आज भोजन मंगाया है, हर घर से भोजन जाएगा, हम ही रह जाएंगे, भोजन दो कुछ। श्रीदामा की मां कहती है, हमारा भोजन तो भगवान के घर से आता है, उन्हीं के घर हम तेल चाकरी करते हैं, वहां से जो मिल जाता है वही हमारा भोजन होता है, तू जा कुछ नहीं है। श्रीदामा कहने लगा, मां पहले जन्म में भगवान को नहीं दिया, इस जन्म में दरिद्री हो गए। एक बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, याचको नैव याचन्ति बोधते परस्पर दीयताम दीयताम दाना ना दीयताम ईदृशी गता। ओ भैया सुनो, दान देते रहो देते रहो, अगर नहीं दोगे तो तुम भी हम जैसे हो जाओगे, भिखारी कहते हैं। याचको नहीं वह याचंती, अरे भिखारी मांगने के लिए नहीं आते, तुमको समझाने के लिए आते हैं कि देते रहो, नहीं दोगे तो हमारे जैसे हो जाओगे। तो सीधा मैं कहने लगा, लेके जाऊंगा, कुछ न कुछ दे दो। माने का खट्टी छाछ पड़ी है 3 दिन पुरानी, ले जा। सीधाना मैंने वही गड़बी में डाल ली, लेके चल दिए। सोचते हैं, हाय भगवान खट्टी छाछ, एक बार तो मौका मिला प्रभु को भोग लगाने का, वो भी खट्टी छाछ 3 दिन की, नहीं 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 ये नहीं पिलाऊंगा। फिर सोचने लगे, भाव गाई जनार्दन, भगवान तो भाव के भूखे हैं, चलो ले चलते हैं। चलता है, रुक जाता है, वहां इंतजार कर रहे हैं, सब आ गए तो भोजन करो शुरू। कह लगे, नहीं श्रीदामा नहीं आया है, भगवान कहते हैं वो आएगा भी नहीं भगवान, क्योंकि उसके घर में कुछ है नहीं। नहीं जरूर आएगा, कुछ कुछ लाएगा। ग्वाल वाल देख रहे हैं पेड़ पे चढ़ के, तो श्रीदामा कभी रुकता है कभी चल देता है। भगवान से कहा, देख दादा वो आ रहा है, पर कभी चलता है कभी रुक जाता है।
इतने में ही उसने सोचा, अरे क्या खट्टी चाल भगवान को पिलाऊं, मैं ही पी जाता हूँ। पीने लग गया, इतने में ही भगवान दौड़े और दौड़ करके वहां पहुंच गए। जब तक गड़वी सारी वो घटक गया। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान ने देखा एक बूंद सर से टपक रही है, एक इधर से टपक रही है। जीव लेके भगवान ने इधर की बूंद भी चाट ली, इधर की भी बूंद चाट ली। उसी समय ब्रह्मा जी मिलने के लिए चले आए कि भगवान ने अवतार लिया है, सुनाया हमने, चलो हम भी दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी चले आए और उन्होंने देखा कि भगवान जिसको हम भगवान कह रहे हैं वो तो ग्वाल वालों के मुंह को चाट रहा है। कैसा भगवान है ये, है? तो उन्होंने कहा चलो देख लेते कैसा भगवान है। तो बछड़े चल रहे थे, उनको ले गया। भगवान ने देखा बछड़े नहीं है, ग्वाल वालों तुम नहीं रहो, मैं देख के आता हूं। तो भगवान देखने गए तो गायों को भी ले गए। जब लौट के आए तो ग्वाल वाले भी नहीं मिले, ग्वाल वालों को भी ले गया, बछड़े भी ले गया, ग्वाल वाल भी ले गया और गाय भी ले। अब भगवान ने सोच लिया कि ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान ने वैसे ही बछड़े वैसे ही गाय सब कुछ बना के तैयार कर दी। ब्रह्मा साल दो साल बाद देख के आया कि ब्रज में अब तो अत्याचार आहा हाहाकार मच रहा होगा। लेकिन वहां देखा वैसे ही बछड़े वैसे ही गाय वैसे ही ग्वाल वाल। वहां गया तो वहां भी, यहां देखा तो यहां भी। फिर चरणों में गिर पड़ा, भगवान को स्तुति करके ब्रह्मा जी अपने लोक के लिए चले गए। भगवान ऐसी बहुत सारी लीला दुनिया में कर रहे हैं और अपने भक्तों को सुख दे रहे हैं। धेनकासुर नाम का राक्षस मार डाला, काली नाग का नाथ करके आपने ये लीला सुनी होगी बहुत। और उसको हिदायत दी कि तू ब्रिज को छोड़ दे, क्योंकि उस दय में जब कोई जीव पानी पीने जाता था तो पानी पीने की जो बात छोड़ो, ऊपर से भी कोई पशु पंछी गुजर जाता था तो उसकी विष की ज्वालाओं से लपट के मर जाता था। लेकिन आज भगवान ने नाथ करके उसको कहा तू यहां से चला जा। वो कहता है महाराज मैं कहां जाऊं, तुम्हारा वाहन गरुड़ खा जाएगा कि अब तेरे सिर पर मेरे चिन्ह बन गया है, तेरे को गरुड़ नहीं खाएगा, तू सिंगल दीप चला जा। उसको सिंगल दीप भेज दिया भगवान। काली पर ऐसी कृपा कर दी भगवान ने। कंस को कन्फर्म हो गया कि जिसको भेजता हूं वही मर जाता है, इसलिए कंस नित्य नहीं कोई न कोई योजना बनाता है। प्रलम्बासुर को भेज दिया भगवान ने। बलराम जी ने उसकी भी ये पहचान ली और प्रलम्बासुर को भी मार डाला। एक दिन सारे ग्वाल वाल गाय गोपियां सब फंस गए दावानल में, एक अग्नि, उस अग्नि में सभी फंस गए। फंसने के बाद भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ने उस दावानल का पान कर लिया और गोप गोपियों को बचा लिया। प्रभु ने एक वेणु गीत गाया चीरहरण लीला की, जो आप सभी जानते हैं चीरहरण लीला। इस पर कई लोग उंगली उठाते हैं, उस समय भगवान की उम्र 7 वर्ष की भी पूरी नहीं थी, कम थी कुछ। 7 वर्ष के बालक के मन में क्या काम भाव जागृत होगा। उन्होंने गोपियों को यह ज्ञान दिया, हे गोपियों परमात्मा सब जगह रहता है, तुम नग्न होकर के जल में नहाती हैं, जल में भी तो मेरा रूप है, वरुण के रूप में मैं यहां विराजमान हूं। ऐसे एक दिन भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, उनका भोग स्वीकार किया। एक दिन भगवान ने देखा कि घर में क्या हो रहा है, कुछ बन रहा है, जैसे यहां 56 भोग अभी बना, भोग लगा भगवान को, कुछ बन रहा है। तब भगवान ने मैया से पूछा, मैया आज कौन रिश्तेदार आ रहा है। मैया ने सोचा कहीं ये झूठा कूटा नहीं कर दें, इसलिए भगवान से कहा, भगवान आप जाकर के ये बात नंदराय जी से पूछो। अथाई पर आए, नंदराय जी से पूछा, हे बाबा आज कौन रिश्तेदार घर में आ रहा है, मैया इतनी रात से भोजन बना रही है। कहने लगे किसी ने नहीं आना, हमने इंद्र की पूजा करनी है। कि इंद्र की पूजा आपने क्यों करनी है। बांके बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट
दो मिनट रुक जाओ, फिर गोवर्धन पूजा कराएंगे, दो मिनट रुक जाएंगे। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा क्यों करते हो, ये गोवर्धन की पूजा करिए, ये नित्य प्रति हमको लकड़ी देता है, हमारी गायें चरती हैं, बड़ी बड़ी दिव्य औषधियां प्राप्त होती हैं, गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं कर लेते। अरे भैया इंद्र कुपित हो जाएगा। लेकिन बूढ़े बड़े बैठे थे, उन्होंने कहा अरे कल परसों ब्रह्मा मत्था टेक के गया है, इंद्र कुपित हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है, जैसे कन्हैया कहता है वैसे ही कर लो। सबने कहा भी ठीक है, छकड़ों में गाड़ियों में भरवाया सारा सामान, गोवर्धन की तलाटी में पहुंच गए, पूजा करने लगे। भगवान ने एक स्वरूप गोवर्धन में समाहित कर दिया, एक रूप भगवान बाहर खड़े होकर के कह रहे हैं तुम्हारा इंद्र खाने को नहीं आता था, और देखो हमारा गोवर्धन बाबा खूब खाने के लिए आ रहा है, सभी खिलाइए बड़े प्रेम से। तो आइए तन से यहां मन से चलते हैं गोवर्धन को, और गोवर्धन की परिक्रमा जिसने नहीं दी है आज उसको भी फल मिलेगा गोवर्धन की परिक्रमा का। आइए बड़े प्रेम से श्री गोवर्धन धाम में, जो भगवान ने इकन्नी मुली पर 7 दिन के लिए धारण किया था, उस गोवर्धन धाम में गोवर्धन भगवान की शरण। एक बात मैं बताई देता हूं, बड़े ध्यान से सुने, कि जो इंसान साल की 12 पूजों किसी भी अपने अभिलाषा को लेकर के गोवर्धन भगवान की सेवा पूजा कर लेता है, वो इंसान की मनोकामना साल के भीतर भीतर पूरी हो जाती है, ये निश्चित बात है। इसलिए गोवर्धन भगवान ब्रज के देवता हैं। जब तक गोवर्धन, जब तक वृंदावन में, जब तक ब्रज में गोवर्धन है तब तक कलयुग नहीं है। कलयुग जब आएगा तिल तिल गोवर्धन नीचे को जा रहे हैं, जिस दिन गोवर्धन नहीं रहेगा उस दिन समझ लो घोल कलयुग आ जाएगा। इसलिए मन से गोवर्धन धाम में, श्री गोवर्धन धाम में। छटा तेरी अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन
चले हैं मन में गिरधर का घर ध्यान मिला पूछ दी लोटा का स्थान चले हैं मन में गिरधर का घर ध्यान मिला पूछ दी लोटा का स्थान गोपति पुराने आए चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन भर चलो चले सब गोवर्धन चलो मन में प्रेम पर
दुख की ये झांकी है Oh, yeah.